आज हम बात करेंगे कि पॉइंट की क्रैंकिंग कैसे किया जाता है। सबसे पहले एक लीड की एक आता है, ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेन में कोई हैंडल नहीं होता है। और जय हिंद, आपका अपना यूट्यूब चैनल MMT क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि पॉइंट की क्रैंकिंग कैसे किया जाता है। एवरी रेलवे जो भी इम्प्लॉय होता है, जिसे स्टेशन मास्टर हुआ और पॉइंट्समैन हुआ, ये लोग का कर्तव्य होता है कि एक मंथ में एक एक बार हर एक पॉइंट को क्रैंक होता है। क्योंकि ये जो पॉइंट होता है ना, ये मोटर ऑपरेटेड होता है, ठीक है। इसको प्रीवियस ईयर में क्या होता था कि हैंडल से इसको घुमाना रहता, क्रैंकिंग करना रहता था, मगर अब क्या इसमें न्यू फीचर इसमें दिया, तो इसमें क्या कर दिया कि मोटर लगा दिया। अब मोटर लगने से क्या होता है कि अंदर से पैनल जो होता है, पैनल से स्टेशन मास्टर वहाँ से अपना नोब को रिवर्स नॉर्मल जैसे दबाएगा, ये ऑटोमेटिक मोटर चालू हो जाएगा और ये अपने आप ये जो होता है ये इसको सेट कर देता है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कैसे क्रैंक हैंडल ऑपरेट किया जाता है पॉइंट्समैन के द्वारा, स्टेशन मास्टर के द्वारा। ये तब किया जाता है जब कोई मान लीजिए सिग्नल ख़राब हो जाए, या पैनल से हमने रिवर्स नॉर्मल किया, ये फ्लैशिंग करने लगा, वहाँ पर फ्लैशिंग शो करने लगता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हैंड क्रैंकिंग हैंड से किया जाता है। करने के बाद क्या होता है, इसमें क्लैंकिंग एंड पेडलॉकिंग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें लगाइए लीड की, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले एक लीड की एक आता है, ठीक है। ये हमारा जो स्टेशन ऑफिस रहेगा वहाँ पे रहेगा, या जो बड़ा स्टेशन होता है उसमें क्या होता है कि एक बॉक्स होता है, उसी के अंदर ये रखा रहता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि ये यहाँ पे रिवर्स लिखा हुआ है, ठीक है, हालांकि आपको नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें मोबिल लगाया हुआ है। अब ये क्या करेगा ना, ये इधर से टर्न करेगा। अभी ये जो है एक्चुअली क्या है, नॉर्मल पोजीशन में है। इधर से आइए दिखाइए इसको, ये एक्चुअली क्या है, नॉर्मल पोजीशन में है। नॉर्मल पोजीशन इसलिए है क्योंकि ये जैसे व्हील आएगा तो सीधे ये जाके सेंड हॉप में जाके गाड़ी को जाके लड़ जाएगा, ठीक है, वहाँ पे। तो इसके वजह से क्या किया जाता, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको पॉइंट को रिवर्स कंडीशन में कर रहे हैं। अब देखिए ये रिवर्स हो जाएगा, ये घूम रहा है इधर, यही जो होता है ना मोटर ऑपरेटेड, इसमें मोटर लगा रहता है, मोटर से होता है, मगर जब भी ये ख़राब हो जाएगा तो इस सिचुएशन में हमको ऐसे करना रहता है। इसी की वजह से रेलवे एम्प्लॉय पॉइंट्समैन हुआ, स्टेशन मास्टर, एवरी मंथ वन टाइम एक पॉइंट को करना रहता है क्रैंकिंग। अभी देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया, ये हो गया रिवर्स पोजिशन, ठीक है। अब ट्रेन क्या होता है, ट्रेन आएगी और सीधे ऐसे होते हुए ये मेन लाइन होते हुए निकल जाएगी, ठीक है। तो इसका मेन यही फीचर है और इसी के ये काम करता रहता है। एक चीज़ और कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रेन में क्या होता है ना कि हैंडल रहता है, जिससे वो क्या करता है, लोको पायलट अपना ट्रेन को घुमाता रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेन में कोई हैंडल नहीं होता है, और वो जो स्टेशन मास्टर होता है वही क्या करता है, पॉइंट को रिवर्स और नॉर्मल करता है। उसी को एग्जैक्ट मालूम रहता है कि हमको कौन सा ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर लेना है। तो जो भी पॉइंट्स नोब होता है उसको वो रिवर्स नॉर्मल करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, हर प्लेटफॉर्म पे वो गाड़ी को आसानी से ले सकता है। और जो ट्रेन में आपको जो हैंडल टाइप का दिखता है, एक्चुअली वो हैंडल नहीं रहता है, वो एक्चुअली जो क्या रहता है ना कि हैंड ब्रेक रहता है। जो इंजन रहता है, इंजन में जब इंजन हम स्टेबल करते हैं, या ट्रेन रुक जाती है, या इंजन एक दिन के लिए एक जगह रख दिया जाता है, स्थिर स्टेबल कर दिया जाता है, उस सिचुएशन में क्या होता है कि हैंड ब्रेक लगा देने से वो ट्रेन क्या होगी, आगे पीछे मूव नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए वो दिया रहता है, ठीक है। और उसमें किट्स बहुत सारा कुछ लगाया जाता है, बाद में हम आपको बताएंगे कैसे ट्रेन को स्टेबल किया जाता है। आज के लिए इतना ही, चलते हैं, जय हिंद।